अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हो तो आप भली भांति जानते होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। आप ये भी जानते होंगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है उनकी राय क्या है। इतनी अच्छी धारणाएं है, इतना अच्छा माहौल है और मौजूदा जो स्थिति है वो समर्थन जो है उसका इतना बड़ा है मौजूद, फिर भी लोग इस बिजनेस में असफल क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसे कारण है कि लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी अन्य बिजनेस की तरह है। यहाँ पर भी लोग उन्हीं कारणों के वजह से असफल हो जाते हैं जो अन्य बिजनेस में या खुद के निजी जीवन में अन्य कार्य में वो असफल बन जाते हैं। सो गाइस जी, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असफल होने के कारणों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करना जिसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं। नंबर वन, लोग इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को समझ ही नहीं पाते कि इस बिजनेस से अपने जीवन में कितना कुछ हो सकता है, इस बिजनेस से अपना जिंदगी कहां से कहां जा सकता है, अहमियत नहीं जानते इस बिजनेस को, बिजनेस ही नहीं मानते। और कुछ लोग तो इस बिजनेस को देखते भी नहीं, इस वजह से वह इस बिजनेस को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते, ज्यादा मेहनत नहीं करते और जाहिर है कि ज्यादा प्रयास न करने के वजह से उनको जो परिणाम मिलते हैं वो उसी तरह से स्वाभाविक मिल जाते हैं। ऐसे लोग इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। नंबर दो, सिस्टम फॉलो नहीं करते। ये बिजनेस जो है, दुनिया का कोई भी बिजनेस लो आप, हर एक बिजनेस को करने के लिए एक सिस्टम रहता है, एक गाइडलाइन रहता है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भी एक सिस्टम है, एक गाइडलाइन है जिस गाइडलाइन के ऊपर हमें चलना होता है। लेकिन लोग यहाँ पे जो आते हैं वो इस अहम भाव से आते हैं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, और इसी चक्कर में दोस्तों वो अपलाइन का सुनते नहीं, अपने ही दिमाग से इस बिजनेस को, अपने ही विचारों से और अपने कार्यशैली से इस बिजनेस को करने का सोचते हैं और करते हैं। फाइनली एक बड़ी चुनौती आने के बाद वह इस बिजनेस को यह कहकर छोड़ जाते हैं कि ये बिजनेस ही बेकार है, क्विट कर जाते। नंबर तीन, गलत अपेक्षा से जुड़ना। लोग यह जुड़ तो जाते हैं लेकिन शुरू से ही ऐसी गलत अपेक्षा रखते हैं इस बिजनेस के प्रति। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं शुरू करूंगा, दो चार लोगों को, मेरे दोस्तों को यह बताऊंगा, लोग मेरे कहने पे शामिल हो जाएंगे, फिर बाद में ये बिजनेस जिंदगी भर निरंतर मुझे आमदनी देता रहेगा। कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये जैकपॉट के जैसा है, लॉटरी की तरह है, फटाफट अमीर बनने का एक योजना है। ऐसे लोग दोस्तों भाग जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गलत कमिटमेंट देके लोगों को जोड़ते हैं और जब इन लोगों को वास्तविकता पता चलती है, जब इस बिजनेस की वास्तविकता उनकी अपेक्षा से भिन्न रहती है, तब इन मायूस हो जाते हैं और सफलता के लिए जो कड़ी मेहनत करनी है इस बात का जब इन्हें एहसास होता है तो ये बिजनेस छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी न लेना। ये बिजनेस पूरा जिम्मेदारी का है और ये बिजनेस पूरा स्वयं चलित है।
यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है और ना ही आपके ऊपर कोई दबाव डाल सकता और ना ही आपको इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए जो गतिविधियां है वो करने के लिए विवश कर सकता है। ये पूरा बिजनेस आपका है। देखिए सपने किसके हैं? आपके। परिवार किसका है? आपका। बच्चे किसके हैं? आपके। गाड़ी होगा, बंगला होगा तो किसका होगा? आपका होगा। फॉरेन ट्रिप होगी, आपका होगा। पैसा आएगा, आपके पास आएगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? अपने। ये गलत धारणा है। ऐसी धारणा वाले लोग इस बिजनेस से क्विट हो जाते हैं। एकाग्रता और समय की कमी। कोई भी बिजनेस हो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको उसके अंदर सफलता पानी है तो आपको उसमें एकाग्रता होना बहुत जरूरी है और समय देना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग पार्ट टाइम काम करने आते हैं। पहले से उनके पास में बुनियादी कोई नौकरी पेशा या व्यवसाय होता है और पार्ट टाइम के हेतु, एक एक्स्ट्रा इनकम के हेतु वो लोग यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। और आज के इस भागदौड़ में ना कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी में दबाव की जिंदगी जी रहे हैं। बॉस का उनको बहुत हेडेक है, ऑलरेडी वो अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने जीवन को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पे इतना वक्त नहीं दे पाते जितना इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए देना चाहिए। फाइनली उनको परिणाम अच्छे नहीं मिलते, फिर धीरे धीरे उनका जो शुरुआती का जो रोमांच रहता है बिजनेस के प्रति, वो रोमांच खत्म हो जाता है, फिर वो क्विट करते हैं। और दोस्तों, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, पूरी दुनिया का आज तक का इतिहास चेक करो, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में फेल नहीं हुआ है। हाँ, फेल कौन हुआ है? जिन्होंने इस बिजनेस को करना छोड़ दिया है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक विश यू ऑल गुड लक। जय।